मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जा रही लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक परिहार ने सेन सर्किल से सिंधी कॉलोनी होते हुए नूतन स्कूल तक के मार्ग को लाडली लक्ष्मी पद के नाम से लोकार्पित कर नीमच की बेटियों को अनुपम सौगात देने की घोषणा की। आज एक लाडली लक्ष्मी वाटिका का निर्माण भी किया गया, जिसमें दिलीप सिंह परिहार ने पौधारोपण किया। इस वाटिका में बेटियों के खेलकूद एवं मनोरंजन के लिए विधायक निधि तथा नगरपालिका द्वारा झूले चक्री संसाधन लगाए जाने की घोषणा भी की। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से आज के दिन को लाडली लक्ष्मी योजना हेतु समर्पित कर कार्य करने के खास निर्देश दिए गए हैं। बेटियों के लिए आज लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा भी की जाएगी। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा भी मौजूद रही। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सब जनप्रतिनिधियों से कहा है कि वो लाडली लक्ष्मी योजना के लिए दे, लाडली बेटियों के लिए। तो आज दिन भर हमारे लाडली लक्ष्मी के कार्यक्रम हैं। आप सब जानते हैं कि अभी पूरे मध्य प्रदेश में 52 ही जिलों में लाडली लक्ष्मी 2 योजना का आज शुभारंभ हो रहा है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसको आज शुभारम्भ कर रहे हैं। आज प्रातः हमने लाडली लक्ष्मी बेटियाँ को लेकर और एक वाटिका का निर्माण किया, जिसका नाम रहेगा लाडली लक्ष्मी वाटिका। उस वाटिका में आज हमने वृक्ष लगाए हैं और उसमें बच्चों की लाडली बेटियों के लिए खेलने के लिए यदि कोई आवश्यकता होगी, जैसे हम कहते हैं झूले चक्री, जिसमें बेटियां आनंद लेती है, तो वो मैं और नगर पालिका के माध्यम से हम पूरा करेंगे, विधायक निधि और नगर पालिका के माध्यम से। दूसरा, आज सेन सर्कल से लेकर और नूतन स्कूल होते हुए सिंधी कॉलोनी तक जो एक मार्ग आता है, उसको हमने आज लाडली लक्ष्मी मार्ग घोषित किया है। वहाँ हमने उसका आज लोकार्पण भी किया है, बेटियों के हाथ से उसका लोकार्पण किया है। और अभी दिन में लगातार मुख्यमंत्री जी लाडली लक्ष्मी योजना की जो बेटियां हैं उनको सम्मान करने का काम करेंगे, और जो नई योजना आ रही है लाडली लक्ष्मी 2 उसका प्रारंभ करेंगे। पहले हम देखते थे बेटी पैदा होती थी, माता पिता के चेहरे पर बेटियों के पैदा होते ही खुशी गायब हो जाती थी। आज बेटियाँ पैदा हो रही है तो ये मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी की वजह से खुशियाँ आ रही है। ये एक अद्भुत चमत्कार है। हम देख रहे हैं लाडली लक्ष्मी योजना में बेटी जब पैदा होती है तो उसके खाते में पैसे जाते हैं, फिर उसको जब वो स्कूल में जाती है तो 6,000 रुपये मिलते हैं, फिर वो हाई सेकेंडरी में जाती है तो उसको पैसा मिलता है, वो कॉलेज में जाती है तो गाँव की बेटी की योजना का उसको लाभ मिलता है, और जब वो 18 साल की होकर विवाह योग्य हो जाती है तो वो लखपति होती है, 1,00,000 रुपये से ज़्यादा राशि उसके खाते में जाती है। तो आज ये योजना जो चल रही थी उसको वापस से मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के समय बंद हो गई थी, वापस से लाडली लक्ष्मी 2 योजना प्रारंभ की है। उसकी घोषणा अभी मुख्यमंत्री जी करेंगे, उसमें 2 में क्या क्या लाभ होंगे ये सब वो बताएंगे कि लाडली लक्ष्मी योजना 2 से क्या है। अब तो लाडली लक्ष्मी अगर पढ़ना चाहेगी और हमारे यहाँ नीमच में मेडिकल कॉलेज में यदि डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहेगी तो उनकी फीस भी शिवराज मामा जमा कराएगा, तो ये लाडली लक्ष्मी 2 का। हम देखते थे कि पहले बेटियाँ पैदा होती थी तो परिवारों में मासूम हो जाती थी, अब जब बेटियाँ पैदा होती है तो पैदा होते ही लखपति पैदा होती है, तो इसलिए ये योजना मुख्यमंत्री ने बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री ने योजना चालू की है, और इस योजना को मध्य प्रदेश की धरती से प्रारंभ किया गया तो अन्य प्रांतों ने भी इसकी नकल उतारी है। तो हमारे गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बेटियों के मामा हैं और बहनों के भाई है उन्होंने ये योजना प्रारंभ की है। आज लाडली नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।